खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक। यूपी में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बीती रात कानपुर का बिकरू गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से एक गूंज उठा, जहां विकास दुबे नाम के एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस जैसे ही उसके घर में दाखिल हुई, वैसे ही बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस पूरे मामले को लेकर यूपी के डीजीपी का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। देखिए, एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का। एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की, लेकिन चूंकि ये हाइट पर खड़े हुए थे लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पर गोलियाँ लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज़ करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहद ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है जिसके लिए पहले हमारी टीम वहाँ पे गई थी। जिस कह सकते हैं कि एक बहुत ही जघन्य घटना को अंजाम दिया उन्होंने, जिस तरीके से पुलिस टीम पर हमला करके 8 लोगों को शहीद कर दिया, तो अब आप इसे फर्दर क्या फॉरेंसिक देखेगी, किस तरीके वेपन इस्तेमाल किए या आप लोगों ने किस तरीके की और इसमें हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी 3 कही जाएंगी। पहला तो जो हमारे कर्मचारी हमारे साथी घायल हुए हैं उनको तत्काल इलाज अच्छे से अच्छा मिल पाए, वो जल्दी स्वस्थ हों, एक तो ये हमारी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी इस ऑपरेशन को जो कंटिन्यू कर रहा है करते हुए न केवल इस अपराधी वरन इसके जो साथी हैं जो इसमें शामिल रहे हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और तीसरी ये कि ये जो वेपन्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए, ये वेपन्स इन्होंने कहाँ से हासिल कर लिए, कैसे हासिल कर लिए, और जो हमारे आदमियों को चोटें आई हैं उनका एग्जामिन करना और ये देखना कि किस तरह के वेपन से आई हैं, ये तीसरी प्रायोरिटी है इन्वेस्टिगेशन। हम कह सकते हैं पुलिस अभी बहुत सख्त इसके बाद एक्शन ले रही है, इससे ये स्पष्ट है कि इतनी बड़ी घटना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमने सारे ऑफिसर्स को वहाँ लगा रखा है और एक बहुत विशद ऑपरेशन न केवल एक ज़िले का वरन आसपास के सभी ज़िलों का, पूरे जोन के ज़िलों के लोगों को मोबिलाइज करके कर रखा है, उसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, इससे बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है कोई। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि विकास दुबे पर किस किस तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। आशीर्वाद नर्सिंग होम हार्ट एंड डायबिटीज सेंटर, सभी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज एंड हेल्पिंग स्टाफ, 18 वर्षों से ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध डॉक्टर प्रमोद तोमर द्वारा संचालित विकास नगर का सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग होम, जहां हर बीमारी का होता है सफल इलाज, वो भी अफोर्डेबल फीस में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं कि विकास दुबे है कौन और वो कौन कौन से अपराधों में मुजरिम है।
विकास दुबे वही अपराधी है जिसने राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा पाए संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। विकास के खिलाफ 60 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों ओर से हुई फायरिंग में बलहोर के सीओ देवेंद्र मिश्र, शिवराजपुर के एसओ महेश यादव, 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही शहीद हो गए। इसके अलावा 7 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी घायल पुलिसकर्मियों का बेहतर इलाज कराने की व्यवस्था करने के साथ ही विकास दुबे के खिलाफ ऑपरेशन भी चला रही है, ताकि विकास दुबे और उसके साथियों को पकड़ा जा सके। इसके साथ ही पुलिस वारदात में इस्तेमाल हथियारों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि आखिर अपराधियों के पास हथियार कैसे और कहां से आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाइम 24 न्यूज। वहीं मामले को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह से बात की है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।